हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग ऑफिस से कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के डाउट थे कि हम लोग अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग में जॉब करते हैं तो हम लोग ऑन फील्ड जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। साथ में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग करके या जॉब करके आप पैसा कमाना, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही कम कॉस्ट में फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स, जिसमें आप कंप्लीटली फ्रेट फॉरवर्डिंग वर्क आप सीख पाएंगे। जैसे कि कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है, कहाँ से आपको वेंडर्स मिलेंगे, कहाँ से आपको कस्टमर्स मिलेंगे और कैसे आप कमीशन ऐड कर पाएंगे, कैसे कंटेनर बुक करना है, मतलब ए टू जेड जितना भी उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है सारी चीज़ें हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर कवर की हुई है। और जो कोर्स का प्राइस रहेगा 2,500 रुपये रहेगा, इससे ज़्यादा आपको कोई भी कॉस्टिंग आपको लगने वाली नहीं है इस कोर्स के अंदर। तो जो भी इंटरेस्टेड है डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हो उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप मेरे से कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और अपना बिजनेस या जॉब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए हम लोग वर्क की बात करें, जो हमारा काम होता है ऑफिस में ही बैठ के होता है ऑन फील्ड फ्रेट फॉरवर्डिंग में। अगर आप हैं तो जिनको ये डाउट था कि हम लोग ऑन फील्ड जाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप ऑफिस में बैठ के सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी रेट्स चेक करना है अपने सिस्टम से बैठ के आप रेट्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको कस्टमर भी फाइंड करने हैं तो भी आप बैक ऑफिस से आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके कंपनियां सर्च करके कस्टमर वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको विजिट करना ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि ट्रस्ट आपका जब भी बनेगा कंपनी के साथ जब आप वहां पे कंपनी में जाके विजिट करेंगे तब। और जो भी वहां पे सेल्स पर्सन है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो भी लॉजिस्टिक वर्क देखता है उनके साथ जो कम्युनिकेशन है अच्छा बिल्डअप करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तभी आपको बिजनेस का कुछ अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट काम है हमारा कि रेट का मैंने आपको बताया, रेट ऑफिस से देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप कंटेनर भी आप यहीं से बुक कर सकते हैं। जो ऑन फील्ड जो काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टर का और CHA का, आपका कोई भी ऑन फील्ड काम नहीं होता। यहाँ से ही आप BL रिलीज करवा सकते हैं, यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है आपको सिस्टम से ही बैठ के करना होता है, ना कि आपको ऑन फील्ड जाके। ठीक है, अगर ऑन फील्ड जाना है तो आपको शिपिंग लेन में जाना पड़ेगा, जो भी आपका फील्ड वर्कर होगा वो वहाँ से BL कलेक्शन के लिए, और या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर शिपिंग लाइन ने मांगा हुआ है आपसे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल देने के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वहाँ नहीं जाना है। आप सोचेंगे आपको जो ICD है या फिर कोर्ट है वहाँ पे जाना है, आपको कहीं नहीं जाना। तो आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप आ सकते हैं। पहला तो होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए, नेक्स्ट होता है आपका ऑपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट में आता है प्राइजिंग। तो इन चार पोस्ट के लिए आप इस ट्रेड में आ सकते हैं, और आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन चारों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेनिफिट्स की बात करें कि इसमें स्कोप कौन से पोस्ट में है, तो सभी में अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो बेनिफिट्स हैं वो हैं। जैसे सेल्स का मैं आपको बता देता हूँ, पहले सेल्स में आपको कस्टमर आपको लेके आने जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कार्गो को या फिर इम्पोर्ट कर रहे हैं वो आपके लिए कस्टमर है, वहाँ से आपको बिजनेस लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशंस में आपको इन्वेंट्रीज वगैरह का देखना होता है। नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपको कंटेनर बुकिंग और जो भी इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है उसकी वेबसाइट पे शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे सबमिट करना, वो सब होता है। और प्राइजिंग में आपको ये देखना है कि कम रेट कौन दे रहा है, अच्छा रेट कौन दे रहा है, और जो उसकी सर्विस है कौन अच्छी दे रहा है उस जिस भी पोस्ट के लिए आपका कार्गो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इसमें, जब भी आप इस ट्रेड के लिए आ रहे हैं तो आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इस पोस्ट को आप देख सकते हैं। तो मैं सेल्स की बात करता हूँ कि अगर आप सेल्स में आते हैं तो आपको बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप किसी भी कस्टमर से आप जुड़ते हैं तो वो क्या परमानेंट आपसे ही जुड़ा रहेगा, अगर आप उसको अच्छी सर्विस देते हैं, चाहे आप 10 कंपनी चेंज कर लो, चाहे 10 फॉरवर्डिंग कंपनी चेंज कर लो, चाहे 10 शिपिंग लाइन चेंज कर लो, लेकिन कस्टमर्स क्या होता है आपसे ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट सेल्स में है, तो इसमें स्कोप भी अच्छा है, इसमें जो सैलरी है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ज़्यादा होती है, और आप इसको जो है वर्क फ्रॉम होम भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं सेल्स में, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको ऑफिस से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ रही आपकी पोस्ट के हिसाब से आपको सेलेक्ट कौन सी पोस्ट करनी है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि आप ऑफिस में बैठ के भी सारा काम कर सकते हैं, ऑन फील्ड नहीं जाना होता है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।